सत्संग से सोधि आवे, नहीं जीव चौरासी में जावे। सत्संग से सोधि आवे, नहीं जीव चौरासी में जावे। अब मेटो द्वेष और राग, ओ राग या उम्र बतेरी जाली। अब मेटो द्वेष और राग, हो राग या उम्र बतेरी जाली। अब हमारे साथ क्या बन गई? जैसे अब देखो, प्रत्येक प्राणी को ये ज्ञान हो गया है कि हम गलत स्थान पर हैं, और यदि हम इसी तरह इन्हीं आशाओं को लेकर जीते रहे तो हम यहीं फंसे भी रह जाएंगे। और हम इन बंधनों से छूटने की चेष्टा भी कर रहे हैं, और ऐ भक्त हैं जो भी हैं परमात्मा के इस ज्ञान से परिचित हो जाते हैं, तो उनके साथ कैसे बनता है? कहते हैं जैसे ये बंदर पकड़ने वाले क्या करते हैं, इस काल भगवान ने हमारे साथ ऐसे कर रखा है। ये बंदर पकड़ने वाले क्या करते हैं, एक ऐसा एक बर्तन रखते हैं स्टील का जैसा भी, जिसका ऊपर से मुंह बहुत तंग होता है, जैसे सुराही सी होती है, और उनको मिट्टी में गाड़ देता है जमीन में, और उनके आसपास कुछ रोटी के टुकड़े या दाने कनक बिखेर देता है, चने, और ऐसी छोटे छोटे कई गाड़ देता है बर्त वो पात्र सुराई सी लोहे की, और उनके अंदर अच्छे गेहूं चने ज़्यादा डाल देता है। अब बंदर आते हैं उन बाहर के दानों को देखकर, उनको खाने लगते हैं, फिर झांक कर देखते हैं, वो क्या देखते हैं कि उस सुराही के अंदर बहुत ज़्यादा, उस जार के अंदर बहुत ज़्यादा चने पड़े हैं, वो उसमें हाथ घुसोड़ कर और मुट्ठी भर लेता है, और मुट्ठी भर कर फिर वो भागने की सोचता है कि ले अच्छा माल मिल गया भाग लूँ। अब वो मुट्ठी भरने के बाद वो मुट्ठी अड़ जाती है उसके मुंह के अंदर, सुराही के जार के मुंह में फंस जाता हाथ उसका। अब उसमें इतनी अकल नहीं कि इसने मुट्ठी खोल दूं जान बच जा, वो मुट्ठी भी नहीं खोलता है और चिल्लाता है बुरी तरह चिल्लाना शुरू कर देता है, और मुट्ठी को खोलता नहीं और जकड़े ही रखता है। तो पुण्यात्माओं, हमारे साथ ऐसी बन गई है बंदर वाली मुट्ठी, हमने आप पर जकड़ रखी है। ये मेरा बेटा है या मेरी बेटी है, ये कार मेरी है या कोठी मेरी है। अपरमात्मा आके याद दिलाते हैं कि ना बेटा तेरा है ना बेटी तेरी है, ना ये कार तेरी है ना कोठी तेरी है। क्या बताते हैं, काया तेरी है नहीं, ये माया कहाँ से हो जब तेरा शरीर ही नहीं है। हर माया को अपनी कहे, ये माया है राम की, अपनी कहे गंवार, जमपुर धक्के खावेगा नाहक बह बेगार। फिर क्या बताते हैं, नंगा आया जगत में और नंगा ही तू जावे, और बीच में ख्वाबी ख्याल है ये मन माया भरमावे। अब उस बंदर वाली मुट्ठी को हम खूब जकड़े बैठे हैं, और ये हमसे छूट भी नहीं सकती चाहे कितनी बात बनावे जीव, क्योंकि हमारी बुद्धि इतनी ही सीमित कर रखी है, आपके और हमारे बस की ये बात नहीं है। इसके लिए परमात्मा ने इसका विकल्प बताया है
जैसे वो बंदर फंस चुका था और शिकारी को पता था बंदर पकड़ने वाले को कि अब ये कहीं नहीं जाएगा, ये मूर्ख फंसा रहेगा, आराम से बैठा रहता वो। और दूसरी स्थानों पर उसने कई जगह पर ऐसा कर रखा होता है, जाल फैला रखा होता। तो उसी समय एक व्यक्ति आया, उसने देखा कि एक बंदर ये फंस गया, मूर्ख बोला, हाथ मुट्ठी छोड़ता नहीं, मुट्ठी खोलेगा नहीं तो किसी प्रकार भी नहीं निकला, और मुट्ठी छुटवाने की चेष्टा करे मन माने बुड़का भर ले काट ले मुँह ते, तो हमारी ऐसी दशा होगी किसी को नू समझावे कि ये जिस संपत्ति और संतान को तू अपना मान्य बैठा है भगत ये तेरी नहीं है, इसके साथ साथ तू परमात्मा को याद कर। तो हमने खूब देखा है, हम ऐसे स्थान में जन्मे थे, वो क्या कहा करते कि भगवान के खाने देगा, अपना करके खाना होता है, भगवान के ले रहा है, ऐसी तरह के भी लोग हमने देखे। क्योंकि ज्ञान ना होने से हम ये भाषा बोलेंगे फिर। तो उसने क्या किया उस व्यक्ति ने कि ये बोला व्यक्ति, ये बोला बंदर फंस गया और ये शिकारी इसको बेचेगा, फिर कोई इसका दुरुपयोग करेगा, इसको फिर इसके साथ जो है ना अपना रोजी रोटी ले जाते हैं गांव में शहरों में, बंदर का तमाशा दिखाते हैं, खेल दिखाते हैं, ऐसे जीव को दुखी करेगा। तो पुण्यात्मा उसने क्या किया, जैसे वो बंदर मुट्ठी फंसाए बैठा था, उसके हाथ की रेंज से, दूसरे हाथ की रेंज से थोड़ी सी दूरी पर केला डाल दिया, एक केला। अब बंदर ने सोचा इब केला और उठा ले, वो थोड़ा दूरी पर था नू, और उधर से मुट्ठी में फंस रही उसमें, अब केला ठाने की जब चेष्टा करने लगा उसका हाथ से ध्यान हट गया, वो चने निकल गए खड़दे ही नीचे ने, उसका हाथ निकल गया, वो केला ठा के भाग गया, जान बची, बढ़िया चीज मिली। तो परमात्मा ने हमारे को राम नाम का केला दे दिया, इसने ठाके भाग जावांगे, मारे बस की मुट्ठी छोड़नी को ना।